गाइस देखिए मेरी सब्जी बन गई है, अब बस पूड़ियाँ बनानी बची हुई हैं। इस तरह से कद्दू की सब्जी चने के साथ बनाएंगे ना तो स्वाद बहुत अच्छा आता है। मैं तो हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि भी चल रही हैं तो जो मैं कंजकों के लिए जो प्रसाद बनाती हूँ अपने घर में, वो मैं आपको भी अपने तरीके से बताना चाहूँगी कि अगर किसी को पसंद आए तो आप भी उस तरह से ट्राई कीजिएगा। तो मैं इसके लिए बनाऊँगी पहले तो सूजी का हलवा, जिसके लिए मैंने एक कटोरी घी ली है और एक कटोरी मैं सूजी लूँगी। मैं इस ब्रांड का लेती हूँ और मैं बनाने वाली हूँ कद्दू और चने की सब्जी, खट्टी मीठी सी जो कि टेस्टी लगती है। कद्दू में चने डाल के आप कभी बनाइए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसकी रेसिपी मैं बताऊंगी। इसके लिए मैंने दो हरी मिर्च ली है, एक टमाटर लिया है, थोड़ा सा अदरक लिया है। नवरात्रि का भोजन है ये तो, आप ऑब्वियसली इसमें लहसुन प्याज नहीं जाएगा, इसके बिना ही मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हलवा बना लेते हैं। गैस हलवे के लिए मैंने कढ़ाई गरम कर ली है। सबसे पहले हम इसमें घी डाल देंगे और इसको गरम होने देंगे। अब इसी कटोरी में मैं एक कटोरी सूजी ले लूँगी। ले लिए मैंने सूजी एक कटोरी, अब इसे हम इसमें डाल देंगे। और इसको हमें धीमी आंच पर करीब 15 से 20 मिनट भूनना है। हमें एग्जैक्ट टाइम मैं आपको बता दूंगी जितना देर मुझे लगेगा इसमें। हलवा भूनते हुए 5 मिनट हो गया है। इसमें आपको घी ज़्यादा लग सकता है लेकिन घी ज़्यादा नहीं है, टेस्टी हलवे में घी ज़्यादा ही होता है। घी चीनी और सूजी का रेशियो बराबर होता है तो इसको कम ज़्यादा ना करें। बिल्कुल आप परफेक्ट हलवा बनाना चाहते हैं अच्छा तो सेम रखें सब कुछ। और 5 मिनट इसे भूना है मैंने और अभी इसमें 15 मिनट और लगेगा मेरे हिसाब से। एग्जैक्ट टाइम मैं आपको बताऊँगी। इस बीच मैंने एक प्लेट ले ली है जिसमें मैंने घी लगा के रख लिया क्योंकि मैं इसको थोड़ा जमा दूंगी। और थोड़ा मैंने नारियल लिए हैं ग्रेट किए हुए, इससे डेकोरेट करूंगी। मैं इसमें कोई और ड्राई फ्रूट ऐड नहीं करूंगी, आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। गैस हलवा भूनते हुए मुझे 15 मिनट हो गए हैं और मुझे ऐसे ही कलर चाहिए। आप थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अब इसमें मैं सबसे पहले ऐड कर दूंगी एक कटोरी चीनी और इसी कटोरी से मैं इसमें 2 कटोरी पानी ऐड करूंगी। एक कटोरी पानी मैंने ऐड कर दिया है, ये दूसरी कटोरी पानी डाल दिया है। आँच इस समय आप धीमी रखें और इसे चीनी को भूनना है हमें, इसलिए धीमी आँच पर इसे पकाएं जब तक कि आपको हलवे जैसा ना बन जाए ये। और जितना सूखा गीला आपको रखना आप अपने हिसाब से रख लें। हलवा ऑलमोस्ट रेडी है। अभी पानी ये ज़्यादा लग रहा है बट अभी देखिएगा पानी सारा सूख जाएगा। अब आप चीनी जब घुल जाए तब आप आंच तेज कर लें। देखिए अब हलवा ड्राई हो गया, ऑलमोस्ट ड्राई होने लग गया है। इतना भी रख सकते हैं बट मुझे थोड़ा जमाना है इसे, इसलिए मैं थोड़ा सा और इसे ड्राई करूंगी। उसके बाद जिस घी लगी प्लेट में जिसमें मैंने इलायची पाउडर भी डाल दिया है थोड़ा सा, इसी में मैं इसे जमा लूंगी। गैस हलवा बन चुका है लेकिन इसे 5 मिनट के लिए हम ढककर गैस बंद करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इससे और अच्छा हलवा पक जाता है, फिर और टेस्टी हो जाता है। इसके बाद मैं इसे जमा लूँगी। गैस हलवा तो रेडी हो गया, अब हम बना लेते हैं इसके लिए पूड़ियाँ। इसके लिए मैंने एक कटोरी लिया है मैदा जो मैंने थाली में डाल दिया है और ये एक कटोरी आटा, दोनों को मिक्स करके मैं बनाऊँगी। और ये थोड़ा सा नमकीन सा बनेगा जो कि हलवे के साथ मीठा नमकीन कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। इसमें मैं थोड़ा सा अजवाइन ऐड कर रही हूँ और इसमें करीब आधा चम्मच
दो कटोरी में आधा चम्मच से भी कम नमक मैं ऐड करूंगी और इसमें डालेंगे दो छोटे चम्मच घी और अच्छी तरह से मिक्स करके फिर इसे गूंथ लेंगे। राई का आटा मैंने लगा लिया है, अब इसे कम से कम आधे घंटे के लिए मुझे थोड़ा सा इस पे ऑयल लगा देंगे और आधे घंटे के लिए ढक के रख देना है कम से कम। फिर इसकी पूड़ियाँ जब आपको खानी हो आप बना लीजिए। गाइस जब अपना हलवा चेक कर लेते हैं अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे एक बार और। इसे इलायची वाली प्लेट में सारा डाल देंगे। डाल लेती हूँ मैं अच्छी तरह से। गाइस हलवे को पहले देखिए इसका टेक्सचर, अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। मैं सिर्फ इस पर कोकोनट लगाऊंगी, आप ड्राई फ्रूट भी लगा सकते हैं। इसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे फिर इसे काट लेंगे। हलवा रेडी है। गैस हलवे को मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से सजा लिया है, आप ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिएगा फिर बताइएगा कैसा बना आपका। बाकी मैंने हलवा बना लिया और आटा लगा लिया है, अब मैं बना लेती हूँ सब्जी। ओके गैस जब मैं सब्जी की भी तैयारी कर लेती हूँ, इसके लिए मैंने पानी चढ़ा दिया और इसमें मैंने थोड़ा नमक डाला है और थोड़ी सी मैं हल्दी डाल दे रही हूँ। अब सबसे पहले मैंने एक कटोरी चने लिए हैं, इनको मैं बॉयल होने के लिए डाल दूँगी और साथ ही साथ मैंने ये आधा किलो कद्दू लिए हैं, इनको भी इसमें डाल के करीब 10 मिनट तो मैं पकाऊंगी, एग्जैक्ट टाइम मैं आपको बता दूंगी। तो इसमें ऐड कर देते हैं। गैस 15 मिनट मैंने इसे उबाल लिया है, अब मैं इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी फिर इसका मसाला तैयार करेंगे हम। जब हम सब्जी बना लेते हैं उससे मैंने तेल गरम कर लिया, इसमें डालते हैं एक चम्मच जीरा, फिर मैंने हरी मिर्च और अदरक को काट लिया है इसे डाल दूंगी। मैंने गाइस एक गुड़ भी लिया है क्योंकि, और एक चम्मच मैं इसमें अमचूर भी डालूंगी, इसकी जगह आप इमली भी डाल सकते हैं। हरी मिर्च थोड़ी हो जाए आग धीमी कर देते हैं, इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूंगी कटे हुए। बाकी तीनों मसाले और नमक इसमें ऐड करती हूँ। जब इसमें सबसे पहले एक चम्मच नमक ऐड कर देते हैं और साथ ही साथ में बाकी के मसाले भी डाल देती हूँ। एक चम्मच धनिया पाउडर, चौथाई चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच गरम मसाला, बस ये मसाले डालने हैं। हम इनको अच्छी तरह से भूनना मसालों को। मसाले जलने नहीं चाहिए, चाहे थोड़ा सा आप पानी मिला लें और आपको बिल्कुल धीमा रखना है। मसाले भुन रहे हैं, उसमें मैं अपना कद्दू को ऐड कर देती हूँ चने को। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इस गुड़ को तोड़ के हम थोड़ी देर बाद इसमें गुड़ और एक आधा चम्मच अमचूर पाउडर ऐड कर देंगे। इस गुड़ को मैंने तोड़ लिया है, इसे मिक्स कर देंगे।
साथ ही साथ इसमें मैं एक गिलास पानी मिला दूंगी। और डाल दूंगी थोड़ा सा अमचूर पाउडर, गुड़ और अमचूर की जगह आप इमली मिक्स कर सकते हैं इसमें। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसे थोड़ी देर पकने देंगे। गाइस इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसे धीमी आंच पर मैं 10 मिनट के लिए पकने दूंगी ढककर। मैं ढक देती हूँ और फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर दीजिए आप इसे और 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। गाइस 5 मिनट हो गए हैं सब्जी को, 5 मिनट में इसे थोड़ा चला दें और थोड़ा मैश कर दें। और देखिए अच्छा कलर आ गया है इसका, बस 5 मिनट और पकाना फिर ये रेडी हो जाएगी। अभी वापस इन्हें से ढक देती हूँ, इसके बाद पूड़ियाँ बना लेते हैं हम। गाइस देखिए मेरी सब्जी बन गई है, अब बस पूड़ियाँ बनानी बची हुई हैं। इस तरह से कद्दू की सब्जी चने के साथ बनाएंगे ना तो स्वाद बहुत अच्छा आता है, मैं तो हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। गाइस मेरी पूड़ियाँ भी बन गई हैं, अभी नवमी तो अभी 2-3 दिन बाद है, मैंने पहले रेसिपी के लिए सब बना लिया है। आप लोग प्लीज़ इसे देख के ट्राई कीजिए, ब्लॉग को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, स्टैचू लैक्स को सपोर्ट करते रहिए, चैनल पे आके लाइक का बटन प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा। ओके बाय बाय गाइस, थैंक यू।